स्काई हेल्पिंग हैंड एनजीओ द्वारा आज दिल्ली के गोविंदपुरी काजाजी में फ्री आयुर्वेद एंड होम्योपैथिक परामर्श और चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद विशेषज्ञ और होम्योपैथी डॉक्टर्स द्वारा परामर्श एवं जांच की गई। ब्लड शुगर परीक्षण, आयुर्वेद पल्स रीडिंग, भोजन और आयुर्वेद औषधियों के लिए मार्गदर्शन व आयुर्वेद और होम्योपैथी दवाओं के प्रति जानकारी दी गई। इस निःशुल्क जांच एवं परामर्श कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में किन्नर समाज कल्याण नोएडा की टीम साहिबा जी, नई सोच की प्रेसिडेंट ब्रह्म कुमारी के संगम विहार सेंटर से ब्रह्म कुमारी उपस्थित हुई। स्काय हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट स्काय शर्मा व लीगल एडवाइजर व रिपोर्टर शिल्पी सिंह ने फुलमाला पहनाकर व शील्ड देकर व पटाखा उड़ाकर सम्मानित किया। जांच केंद्र पर सैकड़ों लोगों ने अपनी फ्री जांच करवाई व डॉक्टर से स्वास्थ्य हेतु परामर्श किया। डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर प्रतीक्षा व डॉक्टर सुभाष गौतम ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने शिल्पी सिंह और स्काय शर्मा की प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने इस आयोजन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो कि स्काय हेल्पिंग की टीम करी है, क्योंकि आजकल के जमाने में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह अस्पताल के चक्कर काट सके। अगर इस तरह के कैंप उनकी कॉलोनी में लग जाते हैं तो वह लोग अपने आसपास आकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा लेते हैं। साथ ही आयुर्वेद और होम्योपैथी दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं है। लोग आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं, इसलिए जरूरी हो गया है कि लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया जाए, जो कि इसका हेल्प की टीम कर रही है। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। शर्मा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ स्काई हेल्पिंग एंड ट्रस्ट में। हमारी एनजीओ मेडिकल कैंप्स लगाती रहती है। ये हमने लास्ट टाइम जो कैंप लगाया था वो डेंटल और ऑर्थो का था, उससे पहले डेंटल के लगाए हैं, आई का लगाया है। इस बार हम थोड़ा क्या सोच रहे थे कि हमारी आयुर्वेदिक और जो है होम्योपैथिक को थोड़ा प्रमोट कर रहे थे। आजकल लोग इन चीज़ों की तरफ, इन मेडिसिन की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं। हमारी एनजीओ ये जो मेडिकल कैंप्स है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, लीगल अवेयरनेस कैंप है, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम जो है करती रहती है लगातार। पिछले 3 सालों से हमारी संस्था निस्वार्थ ये कार्यक्रम लगातार कर रही है। नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।